नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नैच के बारे में कि नैच क्या होता है, नैच और ईसीएस में क्या अंतर है, नैच को बैंक में कैसे रजिस्टर करें और इसके चार्जेस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, नैच का पूरा नाम नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है। नैच रियल में एक ऐसी सेवा है जिसकी मदद से ग्राहक एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकता है, यानी कि फंड ट्रांसफर कर सकता है। आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर बने इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सभी पेमेंट ड्यू डेट से पहले करें। अगर आप चाहें तो बैंक अकाउंट से नैच सुविधा द्वारा सभी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हर महीने SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, या आप हर महीने एक निश्चित तारीख को बिजली, पानी, टेलीफोन आदि का बिल पेमेंट करते हैं, तो आप इसके लिए बैंक को नैच मैंडेट दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, किसी लोन या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी नैच से किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नैच कितने प्रकार का होता है। वास्तव में नैच दो प्रकार का होता है, नैच क्रेडिट और नैच डेबिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैच क्रेडिट के बारे में। यह किसी संस्था या कंपनी द्वारा आपके बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रकम जमा करने का तरीका है, जैसे कि सैलरी। इसके बाद हम बात करते हैं नैच डेबिट की। नैच डेबिट वास्तव में आपको बहुत से चेक काटने आदि जैसे झंझट से आज़ादी देता है। जब आप कोई लोन लेते हैं तो आपकी मासिक किस्त नैच डेबिट के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट से जाती है। इसमें समय से पैसे ट्रांसफ़र करना, याद रखना और चेक पर हुई किसी गलती की वजह से पेमेंट फेल होने और जुर्माने की आशंका ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नैच को कैसे सेटअप करें। अगर आप भी अपने बैंक अकाउंट से नैच पेमेंट की सुविधा लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने बैंक को इसकी सूचना देनी होगी। आपका बैंक आपको इसके लिए एक नैच मैंडेट फॉर्म देगा। इस फॉर्म के माध्यम से ही आप बैंक को नैच क्रेडिट या डेबिट का मैंडेट दे सकते हैं। यदि आपने अपनी बैंक से नेट बैंकिंग की सुविधा ले रखी है, तो बिना बैंक जाए खुद से भी नैच रजिस्टर कर सकते हैं या बैंक को मैंडेट दे सकते हैं। इसमें आपको अपने बैंक अकाउंट की शाखा एवं अकाउंट से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देनी होती है। आप इस फॉर्म को भरते वक्त नैच की अधिकतम रकम के बारे में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। एक बार नैच सेवा शुरू हो जाने के बाद, जब भी आपके बैंक अकाउंट से रकम जाएगी या उसमें कोई राशि आएगी, आपको SMS के जरिए इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि नैच की कोई फीस होती है या नहीं। RBI के मुताबिक नैच के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। कई बार क्लियरिंग हाउस के हिसाब से बैंक प्रति ट्रांजेक्शन 25 पैसे से 50 पैसे तक चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि नैच में भी स्टॉप पेमेंट का ऑप्शन होता है या नहीं। अगर आप अपना कोई पेमेंट रोकना चाहते हैं, तो आप बैंक को इस बारे में खबर कर सकते हैं। इसके लिए बैंक को सूचना जल्द देनी पड़ती है, क्योंकि बैंक इस प्रक्रिया में समय लगाते हैं। इस हिसाब से आपको बैंक को एडवांस ही यह सूचना देनी चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें ECS और नैच में अंतर की, तो दोनों में खास ज़्यादा फर्क नहीं होता है। दोनों का काम समान होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ECS की तुलना में नैच अधिक तेज है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।